गर्मा गर्म गोल गोल ये खस्ता कचौड़ियाँ देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इसकी जो फिलिंग बनी है वो इतनी टेस्टी बनी है कि इसके आगे समोसा भी फेल है। ये बहुत ही खस्ता कचौड़ी है। तो चलिए इस गर्मा गर्म और सुपर टेस्टी कचौड़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पैन में लेंगे तेल और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है, एक हरी मिर्चें ली हैं और एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे बारीक कट किया है। तो सबसे पहले अदरक और लहसुन इस गर्म तेल में डाल देंगे और हल्का सा इसे भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को हल्का सा भूनने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का सा पका लेते हैं। फिर हमने जो प्याज बारीक कट करके रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हल्का गुलाबी होने तक इसे पकाया है मैंने। फिर इसमें आधा छोटी कटोरी मटर ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ये फ्रेश मटर है, ये बारीक वाले मटर हैं तो बहुत ही जल्दी ये पक जाते हैं। हल्का सा इन्हें मैंने भून लिया है। अब मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही हल्का सा लेंगे, साथ ही लेंगे गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर। याद रखें कि आपने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है। और साथ ही ले लेंगे काली मिर्च पाउडर और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ चाट मसाला पाउडर। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे देता है। चाट मसाला पाउडर की जगह आप यहाँ अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में ऐड कर देंगे नमक। नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले जले ना इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और वापस इसे मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे ताकि मटर जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। कुछ देर भुनने के बाद यहाँ पर मटर को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मटर बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ पनीर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन ये कचौड़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। और अब इसमें ऐड कर देंगे उबालकर मैश किए हुए आलू। लगभग 6 से 7 उबले हुए आलू मैंने यहाँ लिए हैं और इन सबको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी चटपटी आप फिलिंग पसंद करते हो उस ढंग से आप इसमें मिर्च और खट्टापन बढ़ा या घटा सकते हैं। कुछ देर पकाने के बाद लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया। काफ़ी सारा हरा धनिया इसमें ऐड कर दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिड़वा। ये आप पतली या मोटी कोई भी चिड़वा ले सकते हैं। चिड़वे को मिक्सर जार में डालकर इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। इस चिड़वा या पोहे के पाउडर को एक बड़े बाउल में डाल देंगे और साथ ही ले लेंगे मैदा। आप चाहे तो इन कचौड़ियों को सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप पोहा या चिड़वा ऐड कर रहे हैं तो उससे ये बहुत ही करारी बनती है। साथ ही मैं ले रही हूँ रिफाइंड तेल। तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ अजवाइन। अब इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा नमक और 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से कचौड़ी का कलर बहुत ही सुनहरा आता है। थोड़ा सा इसमें धनिया के फ्रेश पत्ते डाल देंगे। ऐसा करने से कचौड़ी देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप चाहे तो इसकी जगह कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके पहले चेक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मोइन लग चुका है। अगर आपको लगे कि अभी मोइन अच्छे से नहीं लगा है, बाइंड ही अच्छे से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप घी या तेल थोड़ा सा और इसमें ऐड करके फिर मिक्स कर लें। और अब मैं ले रही हूँ हल्का गुनगुना पानी। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो बना लेते हैं। डो को बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, हल्के हाथों से बस आटे को लपेट कर तैयार कर लेंगे। डो बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आटे में मोइन बहुत ही अच्छे से लगा हो। जितना अच्छा मोइन लगा होगा उतनी ही खस्ता कचौड़ी बनती है और आटे को बहुत ज़्यादा गूंदना भी नहीं है। तो लास्ट में इसमें हल्का सा मैं 1 छोटा चम्मच तेल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ऐसा करने से आटा बहुत ही अच्छे से एक बराबर लग कर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं आटा बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। चाहे तो आटे को 10 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ सकते हैं और उसके बाद ले लेंगे एक इसकी लोई। एक छोटी मैंने यहाँ लोई तैयार कर ली है और बोर्ड और बेलन पर हल्का सा तेल भी लगा दें ताकि ये चिपके ना। फिर इसके बाद इसे एक पूरी की तरह बेल लेंगे। आटा सॉफ्ट है इसलिए बहुत ही आसानी से ये बेला जा पाता है।
उसके बाद जो हमने बहुत ही चटपटी सी फिलिंग बनाकर तैयार की है उसका एक बड़ा पोर्शन लेकर इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप चाहे तो इसका एक बॉल बनाकर इसमें रख दें या यूं ही दो बड़े चम्मच फिलिंग इसमें भर दें। और अब ये जो हमने रोटी बेलकर रखी है इसका एक सिरा लेकर इसकी छोटी छोटी चुन्नट बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देते हैं और ये एक लोई स्टफिंग वाली बनकर तैयार है, इसे हल्के हाथों से फ्लैट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी की भी सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। कढ़ाई में तेल भी गर्म है, तेल को बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसी टाइम पर ये कचौड़ियाँ डाल दें। जिस ढंग से हम समोसे को तलते हैं बहुत ही हल्के तेल में पहले, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए, उसी ढंग से इन कचौड़ियों को भी तलना है। अभी ये कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती हैं और जैसे ही एक साइड से पक जाए, इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे, तो इन्हें पलट लेते हैं और इस तरह से दोनों तरफ अच्छे से इसे पका लेंगे। लो या मीडियम फ्लेम में ही इन्हें पकाएं, बीच में आप फ्लेम को हाई कर लें लास्ट में, ताकि इनका कलर बहुत ही अच्छा ऊपर से गोल्डन आ जाए। तो ये देखिए ये गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। इन्हें मैं बाहर निकाल ले रही हूँ और लास्ट में यूं ही खाने के लिए कुछ हरी मिर्चें भी इसमें तल लेंगे। मिर्चें बहुत जल्दी छिटक जाती हैं तेल में, इसलिए तलते टाइम इनका ध्यान रखें। हमारी ये खस्ता गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। इन्हें सर्व कर लेते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये जो हमने हरी मिर्च तलकर रखी है उसे भी इस पर सजा देते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये कचौड़ियाँ लग रही हैं, एकदम ऐसी लग रही है जैसे आप इसे बाजार से लेकर आए हों। तो अब चाहे आपने घर में कोई दावत रखी है या फिर यूं ही छुट्टी के दिन कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है, तो आप इस गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी को बनाएं। जैसा कि मैंने कहा, इसके आगे समोसा भी आपको फीका लगेगा, ये बहुत ही टेस्टी है। और इसमें जो हमने पनीर और मटर डाले हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। पोहा या चिड़वा का पाउडर डालने की वजह से ये जो कचौड़ियाँ हैं ये बहुत ही खस्ता बनी है। आज की ये कचौड़ी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।